दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नारी शक्ति महिला कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट बेलगांव कर्नाटक ने नारी सशक्तिकरण व स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वह इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, जिसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि मंडल कार्यक्रम में भेजा। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से शुरू हुई और कार्यक्रम को कई महानुभवों ने संबोधित किया, जो समाज कल्याण अपने मूल्यवान विचारों और अनुभवों के माध्यम से हमारे समाज में आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूक कर सकते हैं कि कैसे स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जाए। इस कार्यक्रम में कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में योगा, डांस और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजित किए गए। यह आयोजन प्रतिभागियों, नागरिकों की समस्याओं और समस्या के समाधान के बारे में जागरूक होने में मदद करेगा। चयापचय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप, अधिक वजन, हिंसा आदि जैसी समस्याओं अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के कारण हो सकती है। इस कार्यक्रम की मदद से स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के बारे में जागरूकता का संदेश फैलाया गया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक भागीदारी राष्ट्र की प्रगति में योगदान देती है। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण है। महिलाएं हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नारी शक्ति महिला कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के महत्वपूर्ण कार्य कठिन समय से गुजर रहे जरूरतमंद लोगों की सहायता करता, बच्चों, व्यवसायों सहित कमजोर लोगों की सुरक्षा, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने में मदद करना। 30,000 से अधिक महिलाएं इसकी सक्रिय सदस्य हैं। नारी शक्ति महामारी के दौरान जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना आदि इस ट्रस्ट का कार्य है। जब हमारी टीम ने वहाँ मौजूद लोगों से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। नारी शक्ति सम्मान में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये समय 21वीं सदी में कहूँगी कि नारी की सदी है, भारत की सदी है। भारत जियोपॉलिटिकल रूप से एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर कर आ रहा है सबके समक्ष, और ऐसे में नारी को उसका अधिकार मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार भी इस बारे में देखिए विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आई है, एक ऐसा कदम उठाया है जिससे समाज के अंदर एक क्रांति आ रही है। तो एक बहुत अच्छा एफर्ट है, और उसके लिए सफीना जोसेफ जी जो नारी शक्ति ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हैं, सुनीता जी जो हेल्दी एंड हैप्पी बर्थडेज ऑफ कृष्णा जी को लीड करती हैं, उन दोनों को कंग्रेचुलेशंस फॉर टेकिंग अप दिस ब्रिलियंट इनिशिएटिव। और नारी तो सशक्त है, मेरा मानना यह है कि नारी सशक्त है, हमें समाज की मानसिकता को सशक्त करने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ हमें अगर हम भारत के रिमोट एरियाज की बात करते हैं वहाँ पर जाकर भी हमें ये काम करना होगा, ताकि वहाँ पर जो महिलाएं अपने अधिकार से वंचित है उनको भी उनका अधिकार दिलाया जा सके। मैं सिर्फ ये पहल कर रही हूँ और चाहती हूँ पूरा देश मेरे साथ इस मूवमेंट में रहे, इस मिशन में रहे। स्वस्थ भारत की एक सपना देखा है और उस सपने को पूरा करूँगी। आज नारी शक्ति हर चीज़ में आगे बढ़ रही है, और शुक्रगुजार है हम अपने प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी साहब का, क्योंकि उन्होंने हमें ये पहल दिया है, हमें उन्होंने स्वस्थ भारत का सपना दिखाया और वो सपना हम साकार करें। तो आज नारी शक्ति सारे यहाँ पर जितनी भी नारी शक्तियाँ हैं सब जुड़कर इस आंदोलन में पहल कर रही है, सबको अवेयरनेस दे रही है कि हमें एक स्वस्थ भारत चाहिए, और आगे आप स्वस्थ भारत देखेंगे। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।